الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ مَا كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين मौजूद सामीन हजरात, अल्लाह पाक ने अपने महबूब नू तमाम कायनात के चरिंद परिंद इंसान जमादात नबादात के एक एक रिश्ते वास्ते रहमत बना के भेजे है। बेनियाज आलमीन दा रब उसका महबूब आलमीन वास्ते रहमत है। जिथे भी आसमान दे रब नू गुस्सा आया, मुस्तफा ने नीचे दुआ करके अल्लाह को अपनी उम्मत की बेहतरी मंगी। असी अपने घर च पांच दस रिश्ते रखते हैं, जिन्हें सब तो करीबी रिश्ता चाचा होंदा, घर च ताया होंदा, मासी होंदी है, फुफी होंदी है, ताई होंदी है, सारे रिश्ते करीबी गिन लो घर दे। असी उन्हां च भी दवारा मार के बैठे हाँ, सदके जावां मुस्तफा तो दुश्मनां वास्ते भी अपनी काली कमली बिछाई बैठा है। असी अपने करीबी तो करीबी रिश्तेदारां वास्ते दीवारां भी वंड लईआं, ते फिर प्रोटोकॉल भी वंड लाए, जिमें जिमें किसी के रिश्तेदार अमीर हुंदा उहदे लई बिस्तरा अच्छा बिछाने हैं, तो जिमें जिमें गरीब हुंदा है तो उहदे लई बिस्तरा भी उसके मियार के मुताबिक बिछाने हैं। साडा खून का रिश्ता भी दुनिया के प्रोटोकॉल ते स्टेटस च बदल गया है। दुनिया का रिश्ता भी जिहड़ा खून दे रिश्ता इन्ना करीबी है, ना असा कलमे की लज रखी तो ना असा दुनिया च खून की लज रखी, तो सदके जावां मुस्तफा तो जिन्हां ने मुस्तफा नूं मक्कियों कढ़िया ते बदर दी फतह करके भी मेरे नबी ने जशन नहीं मनाया, मस्जिद च उन्हां दा बन्निया ते उन्हां दा रोना ते उन्हां दा रात ना सौना, मुस्तफा नूं सौन नहीं दिंदा पिया। तेरे मेरे वर्गे को दुश्मन होवे ते कह दिंदा ना बंदा रल के कि अज मेरी लाश ते दही पा के कुत्ते छड़ने ने ते बदले मैं गिन गिन के लैने ने, इन्हां मैनूं सताया बड़ा है ते इन्हां मैनूं मक्कियों कढ़िया ते इन्हां मेरा बाइकाट कीता है। ते बंदे ते उत्ते जिहड़ा जुलम होया वे उह कदी भुलदा नहीं। इंसान नूं जिथों दुख मिले उहनों जगह भी नहीं भुलदी, जिस घड़ी मिली होवे उह घड़ी भी नहीं भुलदी। पर जिड्डा बंदा वड्डा बन जावे ते अल्लाह आंदा उहदा ज़र्फ भी वड्डा होवे ते फिर वड्डा है। सदके जावां सोहणे ने कैदी बन के भी रात सौ के नहीं विखाया। यार कहिंदा सोहणिया या सैयदी या रसूलल्लाह, हबीबी या सैयदी या रसूलल्लाह, मैं जाके तो उहदियां मुश्कां भी ढिलियां कर आया, तो खून के रिश्ते की खिच बड़ी हुंदी है। तो यार नू यार ने जदों गल कीती ना तो आका तुसीं अजे भी आराम नहीं करदे, पर नींद नहीं आती। तो सोहणे ने फरमाया मेरे आ चन्ना, जे अज इन्हां नू बन के मैनू नींद आवे तो जे आपणियां नू छड़ा के नींद आवे तो रहमत आलम किने कहना।
सके चाचे दियां मुश्कां ढिलियां कर दित्तियां ते आप दे चरणां जी पत्रेर फजल इबने अब्बास दियां मुश्कां भी ढिलियां कर दित्तियां ते यार ने यार नूं कहा कि यार नूं यार ने यार दे वेड़े दी रिपोर्ट दित्ती कि सोणिया यार दे वेड़े विच जिहड़े बज्जे ने ना वो यार दे चाचा है ते मैं मुश्कां ढिलियां कर दित्तियां हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुतलब दियां ते तुहानूं हुण ते आराम नाल नींद आनी चाहीदी अपनियां दी खिच बड़ी हुंदी है ते मेरे नबी करीम दे लफज बड़े सोहने आपने फरमाया पुत्रा जे चाहना ना तेरे महबूब नूं सुकून दी नींद आवे ते सारियां दियां रस्सियां ढिलियां कर दे मुहम्मद बदले लैण वाला नहीं बदले चुकाण वाला बन गया है सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। लोकी पत्थर मारन ओ दवा देवे एते शाना ने मदनी सरकार दिया फैसला बादियो सारे पढ़ो कलमा ताना रखो मदीने नू जान दिया सारे जग तो हलीमा गरीब बनी सी कमनी वाले नू चुक के अमीर हो गए नी तेनू जग ते कोई ना जानदा सी तेरी जग ते वखरे तकीर हो गए मौला कर्म किता तेरे पाग जागे सारे जग दियां दाइयां दे पीर हो गई। हलीमा नू कौन जानदा सी अल्लाह उम्र में बरकत फरमाए। बैठ जाए ये कोरोना वायरस से ये हाथ ना मिलाया करें दूर से सलाम लिया करें। सारी उम्र करा खत्म होनिया नहीं सिता सोने मोहम्मद दे शान दिया वतुहा मुखड़ा वल्लैल जुल्पां दसन सूरता पाक कुरान दिया लोकी पत्थर मारन ओ दवा देवे ये सिर्फ लफज ने ते मैं सुना रहा ते तुसी सुभान अल्लाह कह रही पर साडे मुसलमान एक बंदे ना लड़ देने ते परचा दसां ते करां देने फलाने नू पालो फलाने नू पालो फलाने नू पालो फलाने नू पालो ओ बंदा भावें मक्के बैठा होवे पर ना ओहदा इत्थे पालो क्योंकि उन्हें बैक करनी है वह भावें बरी हुंदियां भावें उन्हें 3 साल लग जाण उन्हें बेगुनाह साबत हुंदियां भावें 10 साल लग जाण ते जनाब असां दसां नू विच पाणा है ते मेरा नबी कौन है। मैं सदके जावां जिहड़े दुनिया च मुजरम भी होवण सरकार कहिंदे ने होर कुछ नहीं चाहिदा तुसा मेरे नाल दुश्मनी सिर्फ अपने अकीदे दी वजह तो पाईए मेरी सुलह भी सिर्फ कलमे नाल है अज कलमा पढ़ लो दौलत भी ताड़ी मक्का भी ताड़ा मैं मदीने वंजन लगा है। ये ना समझे अजय कि मदीने वाला आया ते उन्हें कब्जा कर लिया ते फतह मक्का हो गई है ते तुसी हुण दौलत भी मालक बन गए हो बस तुसी कलमा पढ़ लो रौला सिर्फ आ ही सी मैनू इन्ना जायदादा ना ते शान प्यार ही नहीं सी तुसा ते आप क्या सी मक्के दा सरदार मान लैने आ एक रब नू छड़ दे ते मेरी तैयारी एक नाल है उहदा क्यों ना प्यार रवां अपने दिल च जिन्हें कहा सोने अरश ते मेरा शरीक नहीं लभेगा फरिश्ते तेरा शरीक नहीं लभेगा। अल्लाह अकबर। उम्र पर आज कितने बैठे हैं असी सके भरा की औलाद ना होवे ते उहदी जगह ते नजर रख के बैठे होने उहदी खिदमत इस वजह तो नहीं करते कि मदीने वाले का गुलाम है मेरा सका भरा है असी उहदी खिदमत करने कि इहदा मकान मैनू लभेगा चलिया ना आखरत लभनी ना सवाब लभना ही यार ने पुछ लेना है तेनू मकान अजीज सी कलमे की मुहब्बत अजीज नहीं सी। अच्छा मक्के वालियां दे विच जो रौला पै गया ना कि अबू सुफियान नू नबी पाक ने बड़ा माले गनीमत देता है तो मुनाफकां ने जाके नबी दे यारां दे कन्नां च कहा कि अज वेख्या जे मुहम्मद करीम आपड़ियां नू सब कुछ दित्ती जा रहा है तो मुस्तफा तक जो गल पहुंची ना तो आपने फरमाया माल चाहिदा जे जां मैनू मदीने ले जाना जे ते कहंदे सोने असा तो माल करना ही कुछ नहीं अंसार कहंदे ने असा तो तुहानू ही अपनी दौलत समझे कहंदे ने मदीने वल मो माया एक सोना तू लगदा दूजा फेर भी तू माया
कहंदे ने सोणिया साडा ते पहला भी तू सोणा ते दूजा भी तू सोणा ते असां दौलत नूं चुल्हे पाणा है। जिदे कोल सारी कायनात की दौलत आ जाए तो उन्हें दुनिया के टकिया की करना है। दुनिया की करंसी तो वक्त ना बदलती रहती है। असा तो मुस्तफा नू दौलत मने जिदा सिक्का राजल वक्त भी शान है ते हशर की मंडी च भी शान मिल जाएगा। यो दौलत है जिहड़ी उत्थे भी खरी ते इत्थे भी खरी है। इत्थों के सिक्के साल बाद बदल जाते हैं, पांच साल बाद बदल जाते हैं, दस साल बदल बन जाते हैं, बीस साल बाद बदल जाते हैं। अल्लाह ये मोहब्बत कबूल फरमाए। ये आपकी हज़ार इमानत है जो मैंने यतीम खाना बनाया ना, मैं उस पर ये लगा देता हूँ। मैं इस पर अपना हक नहीं समझता। और कुछ हमारी कौम की नज़रें भी इस तरह की होती है कि जिन उल्मा के पीछे ये नमाज़ पढ़ते उनके बारे में इनके ख्यालात जो होते हैं वो मैं बता देता हूँ कि जब मौलवी तकरीर कर रहा हो तो कोई पैसा दे ना, तो हमारे बीच में बंदे कहते आप मौलवी साहब ज़रा होर ज़्यादा जोर लाओगे क्योंकि पैसे आने शुरू हो गए। तो मैं अपनी कौम दी एक एक राग तो वाकफ हाँ। मैं तद सीधियां गल्लां कर जाना खरियां कि ये जिन्हें आए ने ये ताड़ी मानत है। अल्लाह मैनू लाउन की तौफीक दे ते उत्थे पहुँचाउन की तौफीक दे। सब तो औखा काम है दुनिया का जेब चो पैसा कढ के किसी जगह पर लाना। ये गल सब तो अल्लाह दुआ कर दो ईमान की दौलत दे दे। यह तो शाही कोई नहीं है, ताड़ा हजार है ये उत्थी लगेगा जिते किसी गरीब यतीम का हक है। अल्लाह हाफाज फरमाए। जेड़े वाले मुसलमान अर्ज करना चाह रहे हैं मेरे नबी करीम ने उन्हें रिश्तिया चो मां बाप का रिश्ता भी बड़ा प्यारा बयान किया है। सदके जावा रहमत ए आलम, जिंदिया ली रहमत मुरदिया ली रहमत। असी जिंदिया ली रहमत नहीं गए, मुरदिया ली रहमत नहीं गए। मेरा नबी जिंदिया ली रहमत मुरदिया ली रहमत बन के आया है। अजीजा ने मन और अल्लाह ने कहा तेरा शरीक नहीं लभेगा जिस तरह मेरा शरीक नहीं लभेगा, इसी तरह सोनिया तेरा भी शरीक नहीं लभेगा। एक गल होर कर दी सुनिया सवा लख नबिया ने क्या अल्लाह जात च वाह दे ते मैं आख्या बाद च भी वाह दे, पर जदो तेरी वारी आई सुनिया मैं ऐलान कर दिता जात च वाहद कवावांगा बात इको ही कर देवांगा। व मैयू तिर रसूल फकदा ताला जिन्हें यार दी गल मनी सोया ने रहमान दी गल मनी। मेरे नबी दा बोलना रब दा बोलना हजूर दी अतायत रब दी अतायत है। बल्कि अल्लाह ने कहा ले सोनिया दुनिया नेकियां कर कर थक जाए मथे कसा ले मैं मोर ला दीती है नेकी ओ मनांगा जड़ी यार नू वेख के करेगा। बस मेरे नबी दी सुन्नत ते मोर लवा ली रब दा जन्नत मेरी है मोर यार दी चलनी। बस बा मोर यार कोलो लवा ली ते नाल अगला लफ्ज कह दिता कि फत्ता भी ऊनी बस नकल मारी बराबर नहीं तू तुर सकदा बस ए समझ के बख्शांगा मगर ते मेरे यार दे चले आए ना पहुंच ते तू सकदा नहीं उत्थे क्योंकि साडा ईमान उस दर्जे ते पहुंच ही नहीं सकदा। असी ते फितने दे दौर दे अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं ना, हर तरफ दुनियादारी है हर तरफ। मगर अल्लाह की कसम है जेड़ा काम कर लगे जुत्ती भी पाउन लगे ना ते हजरत साहब तो पूछ ले तड़ा की नाम है। शबीर साहब को पूछ लो हजरत साहब तड़ा नाम, हजरत मरूफ साहब को पूछ लो, यासर भट्ट साहब को पूछ लो यार मैं जुत्ती पाउन लगा है दस आमना दे लाल ने किवें पाई है। बस तरीका यार दा पूछ लई बस फिर रब दा कमी जिन्निया मर्जी होवन मैं बख्श इस वजह तो देना है कि ने नकल ते सोने दी मारी है ना। चलो पूरी नहीं वजी ते कोई गल नहीं। अच्छा चलो मैं तुहानू नेड़े गल समझाउना, अगले बंदा बच्चा लायक होवे ते पिछला नलायक होवे ना तो नकल मारना शुरू कर देंदा अगले दी ते नकल दे विच फर्क ते थोड़ा जिहा रह जांदा ना, पर वो मिलते जुलते लफ्ज़ होंदे ने सवाल थोड़ा जिहा नेड़े लगा हुंदा है जवाब भावें पूरा सही भी ना लिखे आवे पर पेपर दे नंबर चैक करन वाला आंदा यार विचों कोई भुल गया होना वा वो नंबर 70 दी बजाए 50 दे देंदा है ते पास कर देंदा है। चलिया बंदा दुनियादार दी नकल मारे लायक बंदे दी ते जिदा उस्ताद जमीन ते होवे ते बंदे नू पास होण जोगे नंबर मिल जांदे ने ते मेरे नबी दी नकल मारना ते शान ही बड़ी है जिदा उस्ताद फर्श ते नहीं अर्श ते आ। क्या बात, क्या बात। कमली वाले दा उस्ताद फर्श ते नहीं
ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਅਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਅੱਲਮੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੁਸਤਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਐ ਜੇ ਸ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ, ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਯੂੰ ਤੋ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਮੋਹਤਰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਾ ਮਨ ਸਭ ਜੁਦਾ ਹੈ ਉਨਕੇ ਰਤਬੇ ਕੀ ਹੱਦ ਕਿਆ ਬਿਆਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਾ ਰੁਤਬਾ ਜੁਦਾ ਹੈ ਹਮਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੋਂ ਸੇ ਸੁਨਾ ਹੈ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੋਂ ਸੇ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ ਹਮਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੋਂ ਸੇ ਸੁਨਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਮੇ ਸਭੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਹੈ ਸਭ ਬੜੋਂ ਕੇ ਬੜੋਂ ਸੇ ਸੁਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਹੀ ਉਨ ਸੇ ਬੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜੀ।